अरे जल्दी करो, आरती की थाली लेकर आओ, तुम्हारे दादाजी आ जाएंगे अभी। चलो चलो। तू बात तो नहीं कर सकता, मगर सुन तो सकता है ना? तो सुन, अब तो तू मरेगा और तुझे मैं मारूंगी। चले चले लाडू बा, दादाजी का नाश्ता कहाँ है? हाँ ये रहा, अब पहले सूप। हाँ लाडू बा अभी भूल जाती हैं। दादाजी सबसे पहले नाश्ते में लेते हैं न्यूज़पेपर। देखिए रूल इज रूल, तो आज से मैं हर रोज नाश्ते से पहले आपको न्यूज़पेपर खुद पढ़ के सुनाऊंगा, ठीक है? चलिए देखते हैं आज की ब्रेकिंग न्यूज क्या है। ये देखिए दादू, एक 70 ईयर यंग इंसान ने सबसे पहले मैराथन रेस पार की। दैट्स सो कूल, है ना? तो दादाजी आपका इरादा क्या है? देखिए दादाजी, अगर आप ऐसा ही करेंगे ना तो मैं मान लूंगा कि आप मेरे दादू नहीं। याद है जब मैं छोटा था और घर में लाइट चली जाती थी, मैं कितना डर जाता था। तब आप मुझसे क्या कहते थे कि डर मत बेटा, ये अंधेरा बस कुछ देर के लिए ही। फिर आप एक कैंडल जलाते थे और बस पल भर में सारा अंधेरा गायब हो जाता था। दादाजी अभी भी सिचुएशन वही है, आपको बस एक कैंडल जलानी है। मैं जानता हूं कि आप कुछ भूल नहीं सकते, लेकिन कम से कम एक स्माइल तो कीजिए। आपकी उस स्माइल से मुझे यकीन हो जाएगा कि आप कैंडल जलाएंगे, यही आपका वादा होगा। बोलिए ना दादू, आप जलाएंगे ना कैंडल? दादू कुछ तो इशारा दीजिए, कुछ तो कीजिए ताकि हमें पता चले। सैनी, ये सैनी क्यों मुझे फोन कर रहा है? अब इसका और मेरा क्या वास्ता? हेलो सैनी, क्यों फोन कर रहे हो मुझे तुम? देखो आप मुझे तुम फोन मत करना, वरना मैं क्या करोगी? पुलिस के पास जाओगी? लेकिन पुलिस को कहोगी क्या? देखो मुझे ऐसे फोन करके तंग मत करो, ठीक है? मुझे 5 लाख रुपए चाहिए। 5 लाख? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? तुमने मुझे अपनी तरह बेवकूफ समझा है क्या? काम तो किया नहीं और 5 लाख रुपए मांग रहे हो। देखो आईना मुझे फोन मत करना। ठीक है मैडम, फोन रखता हूँ, लेकिन पहले जरा ये तो सुन लो। मेरे कहने पे तुमने सुबह को किडनैप किया था, ये बात किसी को बताने ही लगनी चाहिए। और इसके बदले मैं तुम्हें इतने पैसे दूंगी कि तुम एक फिल्म नहीं 5 फिल्म बना सकते हो। सुना मैडम? तो मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो? मैंने तो पहले भी कहा था और आज भी कह रहा हूँ, ये विलन वाले काम मैं नहीं करता। और ये सैनी की आत्मा माचिस टटकली हो गई ना तो पारेख परिवार में आके सबको तुम्हारी असलियत बता दूंगा। इसलिए मुझे पैसे चाहिए, मतलब चाहिए। हेलो हेलो सर, पांच लाख रुपए? अब 5 लाख रुपए मैं कहां से लाऊं? क्या करूं? कुछ तो करना पड़ेगा। मुझे लगा था ये सैनिक बेवकूफ है, इससे काम निकलाना बहुत आसान है, अगर नहीं मुझसे 5 लाख रुपए मांग रहा है।
अब इसका मुंह बंद करवाने के लिए मैं 5 लाख का इंतजाम कहां से करूं? शलाका, तू ये कैसे भूल सकती कि तेरे पास ऋषि नाम का एटीएम और क्रेडिट कार्ड भी है? नहीं मामा, मामा आप ये क्या कह रही हैं? ये अच्छा नहीं लगता माँ। आपके उधारे के पैसे चुकाने के लिए मैं ऋषि के परिवार से पैसे कैसे मांग सकती हूँ? देखिए मामा, अब तक मैं उनके परिवार की बहू नहीं बनी हूँ, और अगर बन भी जाती हूँ तो भी ये गलत ही है ना माँ? माँ, फिर चाहे हमारे घर को ताला लगे या हम बाहर रहने की नौबत आए हम पे, अगर मैं ऋषि से 5 लाख रुपए नहीं मांगूंगी। हाँ, भले ही उनके परिवार के लिए 5 लाख रुपए एक मामूली सी रकम है, फिर भी माँ मैं ऋषि से पैसे नहीं मांगूंगी, मतलब नहीं मांगूंगी। ऋषि, गॉड, कहीं बुड्ढे की जुबान तो नहीं फूट गई? ऋषि बोलो ना, क्या हुआ ऋषि? नो, मिस्टर जागरूक, मैं 2 महीने तक इंडिया छोड़ के कहीं भी अब्रॉड में मीटिंग अटेंड नहीं कर सकता। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, मेरे बापूजी की तबीयत ठीक नहीं है, वो जब तक ठीक नहीं हो जाते मैं नहीं आऊंगा। या लिसन टू मी, अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो मेरे सेक्रेटरी से बात कर लो, वो सॉल्व कर लेगा। ओके, बाय। क्या देख रही हो? आपको क्या आप बापूजी से कितना प्यार करते हैं, बस जताते नहीं है। ऋषि, ये क्या कर रहे हो तुम? मॉम, जब आपको पता चलेगा कि इसने क्या किया है तो आप भी शॉक रह जाएंगी। क्या किया है शलाका ने? कुछ नहीं, बस हमें पराया कर दिया। इसकी मॉम को सिर्फ 5 लाख रुपए चाहिए, वरना इन लोगों का घर सील हो जाएगा। लेकिन नहीं, इसे मुझसे पैसे नहीं लेने। बड़ी खुददार और सेल्फ रिस्पेक्ट वाली है ना ये। इसलिए तो बेटा इसने हमारे दिल में जगह बना ली है। शलाका, हम सिर्फ तुमसे प्यार ही नहीं करते, तुम पे गर्व भी करते हैं। इसलिए तुम्हारी प्रॉब्लम हमारी प्रॉब्लम है, हमें बताना चाहिए था ना बेटा। क्या बात कर रही हो बबूला, सही कह रही है ये। इनफैक्ट इस लड़की को हमारे पास से इतने बड़े पैसे नहीं लेने चाहिए। बुड्ढा तो बुड्ढा, उसका बेटा भी कुछ कम नहीं है। और बन अच्छे शलाका, अब तो वो सैनी चुप रहने से रहा। ये आप क्या कह रहे हैं? सही कह रहा हूँ मैं। बेटा तुम ही बोलते रहते हो ना कि मेरे दादाजी ने ये सिखाया है, मेरे दादाजी ने वो सिखाया है, तो बेटा ये भूल गया कि दादाजी ने ये भी सिखाया है तुम्हें कि किसी भी इंसान के स्वाभिमान को ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए। इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं इस लड़की को 5 लाख रुपए दूंगा। मेरी बात अभी तक खत्म नहीं हुई। मैं इस लड़की को पैसे उधार दे रहा हूं, वो पैसे कमा कमा कर तुम मुझे दोगे। मंजूर है। बकुला, थैंक्स ऋषि। ये लो बेटा। थैंक यू मम्मी जी। थैंक यू कहने की कोई जरूरत नहीं, इन पैसों पर हक जितना ऋषि का है उतना ही तुम्हारा भी है। आती हूँ। लगता है आजकल तो मैं शलाका पर कुछ ज्यादा ही मेहरबान हूँ। गॉड, ये क्या?
सिर्फ फ्रूट्स और जूस? आप कुछ खाते क्यों नहीं? मम्मी जी, लाडू बहने भी पापा को बचपन में इतना नहीं डांटा होगा जब वो नाश्ता करने के लिए नखरे किया करते थे। और नहीं तो क्या, इतना बड़ा एम्पायर संभालना और कुछ खाते ही नहीं है। और लाडू बा, आपको ये दूध पीना होगा, आप मना नहीं कर सकते, पीजिए। जैसे कि हम लोग सब जानते हैं कि कल दादाजी का बर्थडे, तो क्यों ना इस साल कुछ एक्स्ट्रा स्पेशल करें? तेरी बात तो सही है बेटा, लेकिन पिछले एक महीने से तेरे दादाजी की हालत तो तू देख रहा है ना, वो ठीक से खाना भी नहीं खाते, बातचीत भी नहीं करते, चलते फिरते नहीं है, ऐसे में ये सब हम कैसे? लाडू बाप, आप चिंता मत कीजिए, इस बार हम कुछ ऐसा करेंगे जिससे उन्हें जीने की प्रेरणा मिले, नई उम्मीदें जगे। या यू हैव अ पॉइंट ऋषि भाई, अगर दादाजी को कोई इंस्पिरेशन मिले तो, या फिर कोई शौक। मैंने कल ही इंटरनेट पर पढ़ा था कि ऐसे केस में अगर पेशेंट को एक शॉक दिया जाए तो पेशेंट में मूवमेंट आ सकती है। मैं दादाजी के लिए फ्रूट्स लेकर जाती हूँ। मैं भी चलता हूँ, मुझे जरा देर हो गई। अच्छा, बाय बाय। देखा बा, पिछले एक महीने में शलाका ने घर का काम काज कैसे संभाल लिया है। हाँ, मुझे एक भी काम नहीं करना पड़ता। आई मीन शलाका मुझे एक भी काम नहीं करने देती। वाह, अब वक्त आ गया है कि ऋषि और शलाका की शादी कर देनी चाहिए और शलाका को इस घर की ऑफिशियल बहू बना देनी चाहिए। बिल्कुल सही कहा तुमने। हाँ हाँ मम्मी जी, मेरे हिसाब से भी शलाका इस घर के लिए परफेक्ट बहू है। हाँ, और मेरे ऋषि के लिए भी। आज एक महीने के ऊपर हो गया पर अब तक सुबह की कोई खबर नहीं। पता नहीं मेरी बच्ची कहाँ होगी, किस हाल में होगी। अब तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता। मुझे माफ कर देना मेरी बच्ची, ना मैं तेरा अच्छा नानू बन पाया और ना ही अच्छा दादू। बुढ़ाओ खाएगा? खा, खाना नहीं खाएगा? मत खा, मैं खाती हूँ। गुस्सा आ रहा है? पर सच कहूं, मुझे भी खुशी नहीं होती तुझसे मिलने के बाद। अच्छा वो सब छोड़, मुझे एक बात बता, एक महीना हो गया तुझे यहाँ बैठे बैठे व्हीलचेयर पर, थक नहीं गया? मरना चाहता है ना तो मरना, मरता क्यों नहीं है? सबको मेरी सच्चाई बताना चाहता है? सच बताना चाहता है सबको? पर सच तो ये है कि मैं तुझे इतना टॉर्चर करूंगी, इतना टॉर्चर करूंगी कि तू खुद मर जाएगा। ये चाकू दिख रहा है? अब मैं इसे तेरे पेट में डर गया बुढ़ा, तो डर गया। मुझे पता, बाहर सब तेरे बर्थडे की प्लानिंग में बिजी है, कल तेरा जन्मदिन और आज तेरा मरण दिन। बुढ़ाओ हैप्पी मरण दिन।
शलाका। शौक देंगे तो मैं इम्प्रूवमेंट आ सकता, इसलिए मैं वही कोशिश कर रही थी। शलाका, तेरी कोशिश तो कामयाब हो गई। देख तेरे दादाजी के हाथ को, उनकी उंगली में हरकत हो रही है। मेरी सुन ली। ऋषि ने मुझ पर हाथ उठाया और ऊपर से उस बुड्ढे का भी हाथ हिलने लगा। उस बुड्ढे पर वार करने गई मगर वो मुझ पर ही पलट गया। ये क्या है? तुम्हारा गुनहगार तुम्हारे सामने, जो सजा देनी हो दे दो। किस मिट्टी की बनी हो शलाका, मुझसे जरा भी नाराज नहीं हो? जो प्यार करते हैं ना वो नाराज नहीं हुआ करते। थैंक यू सो मच। पता है मैं बहुत गिल्टी फील कर रहा था क्योंकि बिना कुछ सोचे, बिना कोई कारण जाने, मैंने बस तुम पर हाथ उठा दिया। I'm really sorry. And thank you, तुम्हारी कोशिश कामयाब हो गई। Thank you so much, शलाका। इसी बात का तो मुझे अब टेंशन है ऋषि। अब तो इस बुट्ठे को मौका मिलता ही खत्म करना होगा, वरना कभी इसके जुबान खुल गई तो पता नहीं मेरा क्या होगा। राम भाई तैयार हो जा अपनी जिंदगी की आखिरी और लंबी राइड के लिए।
पूछिए, आज मैं बहुत खुश हूँ। आपकी उंगलियों में मूवमेंट शुरू हो गई है। मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। पर मुझे एक बात बताइए कि ये सब हुआ कैसे? ये सब शलाका ने किया है। उसकी कोशिशों की वजह से इनमें इतना सुधार हुआ है। और आपको याद है उस सुबह की वजह से हम शलाका को कितना बुरा भला कह रहे थे, और आज देखिए वही शलाका बापूजी के लिए कितना कुछ कर रही है। हाँ बकुलाओ, तुम्हारी बात तो बिल्कुल सही है। मुझे लगता है कि बहुत थोड़े समय में तुम्हारे बापूजी बातें करने लगेंगे, घूमने फिरने लगेंगे। हाँ बा, हाँ हाँ वो तो होना ही है, लेकिन फिलहाल प्लीज एक्सक्यूज अस, अभी मेरा और मेरे दादाजी का लॉन में घूमने का समय हो गया। ओके ऋषि, लेकिन आराम से ले जाना। डोंट वरी डैड। कितनी अच्छी हवा चल रही है ना दादाजी, अब से हम रोज यहाँ वॉक करने आएंगे, और मैं आपको न्यूज़पेपर पढ़ के भी सुनाऊंगा। ओह गॉड, मैं तो भूल ही गया दादाजी, मैंने आपके लिए ना आपके फेवरेट सॉन्ग्स डाउनलोड किए, मैं अभी जाकर लेकर आता। अरे वाह, अकेला व्हीलचेयर पे, और व्हीलचेयर स्विमिंग पूल के सामने, क्या बात है, क्या चांस है। क्या सोच रही है शलाका, ऐसा मौका तुझे फिर नहीं मिलेगा। मिस्टर राम बारिक का राम नाम सत्य करने का, मैं आ गई फिर से, मुझे मार नहीं, तब तू बच गया था, अब नहीं बचेगा। और पता मुझे अब डर भी नहीं लगता कि अगर किसी ने मुझे तुझे मारते हुए देख लिया तो वो यही सोचेगा, मैं तो तुझे ठीक करने की कोशिश कर रही हूँ, है ना। सो राम भाई तैयार हो जा अपनी जिंदगी की आखिरी और लंबी राइड के लिए। गेट सेट रेडी। बड़ी गलती कर दी मैंने ऋषि, प्लीज तुम यहां से चली जाओ, मैं अपने आप से इतना नाराज हूं, कहीं गुस्से में तुमसे कुछ ना कह दूं। ऋषि मैं चाहती हूं कि तुम मुझसे कुछ कहो, मुझसे बात करो ऋषि। क्या बात करूं शलाका, इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता हूं मैं। जो कुछ भी हुआ है उसे भूल जाओ ऋषि।